मुझे एक बात बताइए, आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करा है, इसको कुछ करने में आपको परेशानी आई है या आपको तथागत गौतम बुद्ध या बाबा साहब के अनुकंपा से आराम से हो गया? देखिए, अनुकंपा तो उनकी हमेशा रहती है, मगर कामयाबियां तो पराक्रम से, परिश्रम से, सबके साथ, सबको साथ लेकर के चलने से होती है। तो जनता का हम पर भरोसा है, इसलिए हम हमेशा, बाबा साहब ने कहा था कि सदैव चरित्रवान बनना और विद्वान बनना, जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसके पीछे जनता जरूर आती है। हम एक एक पैर भूख कर रखते हैं, इसलिए कि हमारी जनता की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ होती ना दिखे, इसलिए ये जनता आई है, अपनी मर्जी से आई है, 12 प्रदेशों से आई है। इसमें जम्मू से लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से आए हैं, और तो छत्तीसगढ़ तक से आए हैं। तो ये बहुत सरकार को पता होना चाहिए कि वो ये समझते हैं कि इनका कोई लीडर नहीं है तो इनके साथ हक तलबी हो जाएगी। ये बगैर लीडर के आज इतनी जनता इकट्ठी हुई है, तो ये 2 अप्रैल की पुनरावृत्ति हुई है, और आगे आने वाले समय में हम और अपने संघर्ष को तेज करेंगे, सरकार से अपने अधिकारों की इसी प्रकार मांग करते रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजन पे मैंने देखा था, वहाँ पे 2 तरीके बीजेपी का भी कार्यक्रम आयोजन था, लेकिन इतना बड़ा जगह नहीं थी कि वहाँ पे बीजेपी का कार्यक्रम भी आयोजन हो सके, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये कुछ षड्यंत्र चलते हैं, कुछ बाहर से षड्यंत्र चलते हैं, कुछ अंदर से चलते हैं, मगर हमने हमेशा षड्यंत्रों पर विजय पाई है और आज भी हमने विजय पाई है। हमारा बगैर शांतिपूर्ण तरीके से ये जो भीम कारवां चल रहा है, ये इस बात की गारंटी है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो इसके लिए आप सब लोगों को क्या बोलेंगे? मैं उनके प्रति धन्यवाद बोलूंगा और उनको ये आश्वासन दूंगा कि जब तक हमारी टीम में एक एक आदमी भी अपने जीवन के आखिरी सांस तक इसी प्रकार संघर्षों के लिए लड़ता रहेगा, जूझता रहेगा, सरकार के लिए हमारे साथ अन्याय करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हालात हम पैदा कर देंगे। चलिए, ऐसे में से बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद।